गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था, फंडामेंटल इंटरैक्शंस, मूलभूत अनोन्य क्रियाएं। उसमें हम दो इंटरैक्शंस अनोन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके थे। पहला था स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस और दूसरा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। आज हम बचे हुए दो इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो तीसरा इंटरैक्शन जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका वीक इंटरैक्शन, दुर्बल अनोन्य क्रियाएं, और जो आपका चौथा इंटरैक्शन है वो है आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस यानी कि गुरुत्वीय अनोन्य क्रियाएं। तो हम लोग वीक इंटरैक्शन से स्टार्ट करते हैं। वीक इंटरैक्शंस के बारे में मैं पहले वाले लेक्चर्स में भी बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ, ये इंटरैक्शंस क्यों होते हैं, किनके बीच में होते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल पहले भी दिया था। जो आपके वीक इंटरैक्शंस होते हैं, दुर्बल अनोन्य क्रियाएं होती हैं, वो आपके गॉज बोजोन्स होते हैं। गॉज बोजोन्स के बारे में मैंने आपको अलग से समझाया था। तो तीन गॉज बोजोन्स के बारे में अभी तक बातें हो चुकी है, या तीन गॉज बोजोन्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं। एक है W प्लस, एक है W माइनस और एक है आपका Z0। तो ये जो तीन गॉज बोजोन्स हैं, इनके एक्सचेंज के वजह से आपकी वीक इंटरैक्शंस होती हैं, यानी इनके विनिमय, इनके एक्सचेंज के वजह से वीक इंटरैक्शंस होती हैं, यानी ये आपके वीक इंटरैक्शंस के क्वांटा कहलाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वीक इंटरैक्शंस। जब इनका एक्सचेंज होता है तो उस जगह पे आपकी दुर्बल अनोन्य क्रियाएं होती है। इसका एक एग्जांपल जो हमने अभी तक जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल आपका देखा गया है, जो आप पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, दैट इज़ बीटा डी के। बीटा डी के दो तरीके का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बीटा प्लस डी के होता है, एक बीटा माइनस डी के होता है। मैंने यहाँ पे बीटा माइनस डी के बारे में आपको बता रखा है। बीटा प्लस और बीटा माइनस डी के में बेसिकली आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। बीटा माइनस डी के में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा प्लस डी के में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट बीटा डीके रिएक्शन से ही आया था। कैसे आया था इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये एक वन ऑफ द वीक इंटरेक्शन का एग्जांपल है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो ये न्यूक्लियॉन्स हैं, ये अभी तक, मतलब अभी फर्दर स्टडीज़ चल रही हैं, तो फ्यूचर में ये बोला जा सकेगा कि ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके कौन से हैं, क्वार्क्स हैं। तो जिन रिएक्शंस को आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से समझा रहे हो, उन रिएक्शंस को आप क्वार्क से समझाओगे। 6 क्वार्क्स की डिस्कवरी हो चुकी है, दैट इज़ यू डी एस सी बी एंड टी। तो यहाँ पे बीटा डीके में आपका बीटा माइनस डीके में इनको याद कैसे कर सकते हैं बीटा रिएक्शंस को हम, कि हमेशा ध्यान रखना, जब बीटा माइनस डीके की आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है रिएक्शन में, और जब आप बीटा प्लस टीके की बात करते हो तो पॉजिट्रॉन निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो न्यूट्रिनो निकलता है। ये तो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस में आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, किस में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली बीटा डीके इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीक इंटरैक्शंस। ये एक दुर्बल अनोन्य क्रिया का एग्जाम्पल है। बीटा डीके में आपका जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली जब आप इसको क्वार्क्स की हेल्प से देखेंगे तो आपका डी क्वार्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे यू क्वार्क में। क्वार्क्स के बारे में मैं आगे जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है इस यूनिट का उसमें बताऊंगी, पर इसमें आपका कन्वर्जन हो रहा है एक क्वार्क का दूसरे क्वार्क में। तो डी जो डाउन क्वार्क है वो अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है। डी डाउन को रिप्रेजेंट करता है और यू अप को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया है डी और यू से, और जो रिएक्शन को मैं आप समझा रही हूँ वो भी मैं किससे बता रही हूँ, डी और यू के हेल्प से ही। तो डी और यू की कपलिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, गॉज बोजोन्स का एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, और आपका डब्ल्यू माइनस गॉज बोजोन का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जिससे डी और यू की कपलिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स आपके और निकल रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से हम इन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को ऐड अप कर रहे हैं इसी रिएक्शन में, पर बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है डी क्वार्क का यू क्वार्क में विद द एक्सचेंज ऑफ डब्ल्यू माइनस गॉज बोजोन। तो डब्ल्यू माइनस जो आपका गॉज बोजोन है वो यहाँ पे क्या है, क्वांटा है, किसके लिए, दुर्बल अनोन्य क्रिया के लिए, वीक इंटरैक्शन के लिए। नेक्स्ट, द क्वांटाज ऑफ वीक इंटरैक्शन डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस एंड जेड जीरो आर ऑल्सो नोन एज। हम ये जो दुर्बल अनोन्य क्रिया के क्वांटा हैं, वीक इंटरैक्शंस के लिए जो क्वांटाज हैं W प्लस, W माइनस और Z0, इनको हम इंटरमीडिएट वेक्टर बोजोन्स भी कहते हैं।
मध्यवर्ती सदिश बोजोन, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती वेक्टर यानी कि सदिश और बोजोन को हम बोजोनी कहते हैं। इनका जो मास होता है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के मास से 100 times ज़्यादा होता है। इनकी वीक इंटरैक्शन की जो रेंज होती है, कितनी दूरी तक आपको ये मिल सकते हैं, वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से वीक इंटरैक्शन है, तो इसकी रेंज भी उनकी रेंज से कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। अब हेजनबर्ग के प्रिंसिपल से अगर मैं इसकी रेंज निकालती हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी, हेजनबर्ग प्रिंसिपल आपको पता ही है क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप किसी भी पार्टिकल की एक समय पर पोजिशन और मोमेंटम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, दोनों में से किसी ना एक चीज़, अगर एक चीज़ आपने एग्जैक्टली बता दी तो दूसरी चीज़ में अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी, दोनों चीज़ों को आप सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। तो डेलेक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है आपका एच क्रॉस से, या एच क्रॉस बाय 2 भी कई बार लिखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे रेंज यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई, तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी एच क्रॉस बाय पी। तो इसमें मैंने क्या किया, पी की जगह एम वी रख दिया, मास इनटू वेलोसिटी तो एम सी आ गया, सी से ऊपर मल्टीप्लाई करा, सी से नीचे मल्टीप्लाई करा तो एच क्रॉस सी बाय एम सी स्क्वायर। यहाँ पे जब मैंने रेंज निकाली, वैल्यूज रख के, तो मेरी रेंज आई अप्रॉक्स 10^-18 मीटर के ऑर्डर की, जो कि बहुत कम है। इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट, जैसे हमने बाकियों के लिए स्ट्रेंथ बताने के लिए इसकी, कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो हम क्या निकालते हैं, कपलिंग कांस्टेंट निकालते हैं, युग्मन नियतांक निकालते हैं। तो युग्मन नियतांक की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, 1.4×10^-62 जूल मीटर क्यूब। ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली है, ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आपकी दी गई है। कंपेयरिंग इट विद द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जो ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए भी वैल्यू निकाली थी, जो कि थी अल्फा, और उसकी वैल्यू थी ई स्क्वायर बाय एच क्रॉस सी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमारे पास जब मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो इसके लिए भी एक डायमेंशन, मैथमेटिकली हमने क्या करा, जैसे इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय अनुनय क्रिया के लिए कपलिंग कॉन्स्टेंट निकाला, एक डायमेंशनलेस जिसकी कोई विमा नहीं थी, विमाहीन युग्मन नियतांक निकाला, वैसे मैं कंपेयर करके आपके दुर्बल अनुनय क्रिया के लिए भी युग्मन नियतांक निकाल सकती हूँ, और उसको मैं GW से डिनोट करती हूँ। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कि आपका वीक इंटरेक्शन की रेंज डायरेक्टली आपको याद करनी पड़ेगी, वीक इंटरेक्शन किस में मिलते हैं, इतना आपको डिटेल में इसमें नहीं जाना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके बता दूंगी कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। तो जैसे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, वैसे ही आप एग्ज़ाम में पॉइंट्स में चीज़ें बता सकते हैं, और इतना ही बताना काफ़ी होगा। तो जो इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो इस तरीके से इसका फॉर्मूला आएगा आपका, जो आपको याद करना पड़ेगा। इसकी डिटेल कैलकुलेशंस में हम नहीं जाएंगे, पर इसकी वैल्यू जो आती है, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट रेंज याद कर सकते हैं, और ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स 10^-5 के ऑर्डर की। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये आपका, जब यही चीज़ हम विद्युत चुंबकीय और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए देखेंगे तो ये चीज़ कंपैरेटिवली कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका इंटरेक्शन है दुर्बल अनुनय क्रिया, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से काफ़ी वीक है। और इस तरीके का इंटरेक्शन आपको डीके में मिलता है, शव में मिलता है, किसके डीके में, लेप्टॉन्स के डीके में, मेजोन्स के डीके में और बैरियॉन्स के डीके में। लेप्टॉन को लेप्टॉन ही कहते हैं, मेजोन को मेजोन ही कहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और बैरियॉन्स को बैरियॉन्स ही कहा जाता है। अब हमारा जो लास्ट इंटरेक्शन है वो है आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, यानी कि गुरुत्वीय अनुनय क्रियाएं। तो गुरुत्वीय अनुनय क्रिया में ज़्यादा नहीं कुछ आपका दिया गया है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इन चारों में सबसे जो वीकेस्ट इंटरेक्शन है वो है आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, और ये उन्हीं पार्टिकल्स में लग सकता है जिनमें मास होता है। तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट करा था चैप्टर, तो हमने ये बोला था कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो आपके किसके बेसिस पे करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पे करते हैं और वीक इंटरेक्शन के बेसिस पे करते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी नहीं कंसिडर कर रहे थे और हम ग्रेविटेशन को भी नहीं कर रहे थे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन आपका हर चार्ज पार्टिकल में आपको मिलेगा, तो वो क्लासिफिकेशन में हमारी हेल्प नहीं कर पाता है। और ग्रेविटेशन को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे थे क्योंकि आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हो जिनके मासेस बहुत कम होते हैं, तो उन केसेस में ये इंटरैक्शन आपका नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की कुछ वैल्यू होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ मास हो पार्टिकल का, क्योंकि मास नियरली ज़ीरो होता है तो उसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। रेंज इज इनफाइनाइट, ये सबसे वीकेस्ट इंटरैक्शन है। इसके लिए जो हम युग्मन नियतांक निकालते हैं जो कि एक विमाहीन राशि होगी, डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वान्टिटी होगी, उसकी वैल्यू आती है 10^-39 के ऑर्डर की। अब इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने शुरू की क्लासेस में आपको बता दिया था कि जो आपके ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस होते हैं उनके लिए जो क्वांटा एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, विनिमय के लिए यूज़ होता है, वो कहलाता है आपका ग्रेविटॉन, और इसकी स्पिन जो होगी वो 2 के बराबर होगी। पर इस क्वांटा का अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें नहीं मिला है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको टेबुलर फॉर्म में, आपकी बुक में टेबल दे रखी है इसलिए मैं नहीं शो कर रही हूँ यहाँ पे, पर अगर हम देखें तो हमने 4 इंटरैक्शंस अभी तक पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने स्ट्रॉन्ग, एक पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक पढ़ा है मैंने वीक, और एक पढ़ा है मैंने ग्रेविटेशनल। मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रही हूँ कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन ही है, प्रबल। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वो है विद्युत चुंबकीय, तीसरा है आपका दुर्बल अनोन्य क्रियाएं यानी कि वीक इंटरैक्शन, और चौथा जो सबसे वीकेस्ट है वो है आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, गुरुत्वीय अनोन्य क्रियाएं। आपके जो इसमें क्वांटा यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन प्रबल अनोन्य क्रिया में, जो आपका क्वांटा यूज़ होता है वो आपका होता है ग्लूऑन। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में जो क्वांटा यूज़ होता है वो होता है आपका फोटोन, गामा, जिससे गामा से हम उसको डिनोट करते हैं। तीसरा जो है आपका वो है आपका वीक इंटरैक्शन, उसमें जो क्वांटा यूज़ होते हैं वो आपके होते हैं गॉज बोजोन्स, जो कि 3 अभी तक डिस्कवर हुए हैं, W+, W- और Z0। और चौथा जो आपका है वो है ग्रेविटॉन, जिसकी अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है, पर उसकी स्पिन 2 होती है, और इतना बता चुके हैं कि ये आपके ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन में यूज़ होता है। अब इनके लिए हमने कपलिंग कांस्टेंट्स निकाले हैं, तो कपलिंग कांस्टेंट पहले के लिए जो हमने निकाला था वो था F²/H×C, जिसकी वैल्यू नियरली हमने 1 बोली थी। फिर हमने जो नेक्स्ट गामा फोटोन के लिए जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन के लिए जो हमने क्वांटा निकाला था वो था आपका E²/H×C, जिसको शायद अल्फ़ा से हमने डिनोट करा था, और उसकी वैल्यू थी 1/137। फिर उसके बाद हमने वीक इंटरैक्शन दुर्बल अनोन्य क्रिया की बात करी थी, उसके लिए जो गॉज बोजोन्स आए थे वो थे W+, W- और Z0, और जो आपका युग्मन नियतांक आया था वो मैंने G⍵ से डिनोट करा था, और उसकी वैल्यू आती है 10^-5 के ऑर्डर की। और आपका जो लास्ट है वो आपका है ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय, उसके लिए हमने GM से डिनोट करा था, और GM से डिनोट करेंगे, और उसका ऑर्डर आता है 10^-39। तो इससे ही हमें पता चल गया कि सबसे जो वीकेस्ट इंटरैक्शन है वो आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है, उससे थोड़ा हाई आपका वीक है, उससे थोड़ा हाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे हाईएस्ट आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो प्रबल अनोन्य क्रियाओं की आपको रेंज पता है बहुत कम होती है, कितने ऑर्डर की होती है, फर्मी के ऑर्डर की होती है, डैट इज़ 10^-15 meters, न्यूक्लियर रेडिया के ऑर्डर की इसकी रेंज होती है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, इसकी रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, गामा फोटोन का भी आप मास नेग्लिजिबल लेते हो तो इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होगी। फिर है आपका वीक इंटरैक्शन, इसकी रेंज होती है 10^-18 meters, अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। और फिर है आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, क्योंकि मास ज़ीरो होते हैं तो इसकी रेंज भी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका कंजर्वेशन लॉज। हम इस यूनिट के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, एक है आपका हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, और फिर हमने उनके क्लासिफिकेशन करे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस। ये 3 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, और हर एक क्लासिफिकेशन को, हर एक पार्ट को हमने डिटेल में पढ़ा है अभी तक,
ये पहला पार्ट था इस यूनिट का जो हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। दूसरा पार्ट था फंडामेंटल इंटरैक्शन, अनोन्य क्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अनोन्य क्रिया वाला पार्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो तीसरा पार्ट है लास्ट, जिसमें हम कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ेंगे और क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे, उसके बाद ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है कंजर्वेशन लॉस। मैं ये लेक्चर यहीं वाइंड अप करती हूँ। टिल देन थैंक यू।